हे गेमर्स, मैं हूं आपका वही पुराना दोस्त। मेरा नाम है आकाश सैनी और मैं आज फिर से एक और जबरदस्त वीडियो के साथ वापस आ गया हूं। तो यार आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यार अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए कोई जबरदस्त क्रिकेट का गेम ढूंढ रहे हो ना, तो आज मैं आपको 10 जबरदस्त गेम्स के बारे में बताऊंगा जो कि यार आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि यार इनकी ग्राफिक्स क्वालिटी भी अच्छी है, खेलने में भी लाजवाब है और आपके साथ आपके दोस्त को भी डेफिनेटली पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको गेम अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप भी मेरी तरह एंड्रॉइड गेम्स खेलते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी रोजाना टॉप एंड्रॉइड गेम्स की वीडियो लाता रहता हूं। तो जब भी आपको कोई नया गेम खेलने का मन करे तो मेरे चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना, आपको ढेर सारे जबरदस्त गेम्स के बारे में पता चल जाएगा। तो चलो फिर आप इंट्रो के बाद कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग में यार मैं आपको एक इतने जबरदस्त गेम के बारे में बता रहा हूँ जो कि यार डेफिनेटली स्मार्टफोन में वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट का गेम है। तो इस बेहतरीन गेम का नाम है रियल क्रिकेट 20 और साइज लगभग 600 MB का है। तो यार गेम पहले आपके सामने है, तो देखो यार ग्राफिक्स क्वालिटी तो जबरदस्त है। अब रही कंट्रोल्स की बात, क्योंकि यार क्रिकेट के गेम में कंट्रोल्स मैटर करते हैं। डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए वरना फिर खेलने में मजा नहीं आता है, आसान भी होना चाहिए वरना फिर गेम बोरिंग हो जाता है। तो देखो यार इस वाले गेम को मैंने खेल के देखा है, तो परफेक्ट कंट्रोल है गेम के, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप लोग बढ़िया खेल पाओगे। आप पी वर्सेस पी भी खेल सकते हो, डियो मोड भी खेल सकते हो, कोऑपरेटिव मोड भी है तो एक टीम में भी खेल सकते हो। लेकिन हाँ यार गेम में मेरे को एक चीज पसंद नहीं है कि यार कुछ मोड को आप लोग को बाय करना पड़ता है, लाइक टेस्ट चैंपियनशिप है ना, वो आपको बाय करनी पड़ेगी, हिंदी कमेंट्री भी है वो भी आपको बाय करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ यार तब भी अगर आप लोग मल्टीप्लेयर मोड खेलोगे ना तो उसमें कोई कमी नहीं है, तो इसलिए इस वाले गेम को मैंने आज की लिस्ट में ऐड किया है। पिछले वाले गेम की तरह ये वाला गेम भी उतना ही जबरदस्त है। तो इस वाले गेम का नाम है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3 और साइज 1 GB का। सबसे पहले तो यार पिछले वाले गेम में आपको जो हिंदी कमेंट्री के लिए पैसे देने पड़ते थे ना, वो इस वाले गेम में बिल्कुल फ्री है, आकाश चोपड़ा जी की आवाज है। लेकिन हाँ यार गेम का साइज 1 GB का है, तो उसके मुकाबले मुझे ग्राफिक्स क्वालिटी गेम की इतनी अच्छी नहीं लगी है, और जो प्लेयर है ना वो फेक है, रियल नहीं है। अब अच्छी बात गेम की ये है कि आप लोग बिना इंटरनेट के मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, अधिकतर चीजें गेम में फ्री है, और अगर कोई पेड भी है तो उनका प्राइस बहुत ही कम है। एट द लास्ट ये गेम भी उतना ही पॉपुलर जितना पिछले वाला है, तो आप लोग दोनों में से किसी भी गेम को खेल सकते हो, दोनों ही आपको पसंद आएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हुए इस वाले बेहतरीन गेम का नाम है सचिन सागर क्रिकेट और साइज लगभग 400 MB के आसपास है। तो यार नाम से पता चल जाता है कि सचिन सर जी का गेम है ये। यहाँ पर यार आप जैसे सचिन सर जी की तरह खेलोगे और आप इनकी क्रिकेट की जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकते हो, लाइक कैसे इन्होंने पहली बार 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल मैच खेला था, तो आप लोग उसी को एक्सपीरियंस करने वाले हो। बाकी यार इस वाले गेम में भी मल्टीप्लेयर मोड है और हिंदी कमेंट्री है, मतलब ये वाला गेम भी पिछले गेमों की तरह जबरदस्त है। फोर्थ नंबर पे मैंने जिस गेम को रखा है इसका नाम है हेडोस 380 और साइज लगभग 500 MB के आसपास है। सबसे पहले तो गाइस ये वाला गेम अभी 3 दिन पहले लॉन्च हुआ है, और मुझे मालूम है कि यार इस वाले गेम का आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे होंगे। यार गेम में कुछ अलग नहीं है, बस आप लोग सचिन सर जी की जगह एज अ मैथ्यू हेडन जो कि क्रिकेट लेजेंड है उनका रोल प्ले करते हो। क्विक मैचेस भी आप लोग खेल सकते हो, लाइक इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, मतलब यूजुअली एक पूरा इंटरनेशनल मैच। बाकी यार गेम में मल्टीप्लेयर मोड भी है, लेकिन वो अभी कमिंग सून है। अब आपके मन में आई होगी कि यार फिर मैंने गेम के बारे में क्यों बताया, तो मुझे लगा यार टॉप 10 क्रिकेट गेम की वीडियो बना रहा हूँ और एक नया गेम आया तो क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बाकी यार एक अच्छा गेम है, आप लोग ऐसे सिंगल प्लेयर खेल सकते हो। अब मैं आपको जिस क्रिकेट के गेम के बारे में बता रहा हूँ ये वाला गेम यार कम्पेटिटिव भी है, साथ ही मेरा आज का वन ऑफ द फेवरेट गेम भी है। तो गेम का नाम होने वाला है क्रिकेट लीग और साइज सिर्फ 60 MB का है। गेम यार काफी सिंपल रखा हुआ है इसलिए मुझे अच्छा भी लगा है। रैंडम पैक के साथ आपका एक सुपर ओवर का मैच होता है जो कि यार 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। तो अगर आपके पास खेलने के लिए कम टाइम है ना, तो इधर आप कम टाइम के अंदर ज्यादा मैच खेल पाओगे। गेम में यार लीडर बोर्ड भी दिया हुआ, तो आपके पॉइंट हमेशा आप ही के लेवल के होते हैं। बाकी यार आपको नए नए प्लेयर भी अनलॉक करने पड़ेंगे, साथ ही मेरे दोस्तों के साथ भी आप लोग खेल सकते हो। ओवरऑल अगर आप लोग खेलने के लिए सिंपल लेकिन चैलेंजिंग गेम ढूंढ रहे हो तो इस वाले गेम को आप ट्राई करो, आपको पसंद आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हुए 6 नंबर पे मैंने जिस गेम को रखा है अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए, ये भी यार एक बहुत ही बढ़िया गेम है। तो गेम का नाम होने वाला है स्टिक क्रिकेट लाइव और साइज सिर्फ 90 MB का है। तो यार गेम का कॉन्सेप्ट ऐसे रखा हुआ है कि 3 ओवर का मैच होता है और आपको अपने बेस्ट 3 बॉलर चुनने होते हैं जो कि यार आपके ओपोनेंट को बॉलिंग करेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप किसके साथ खेल रहे हो, अपने दोस्त के साथ या फिर रैंडम प्लेयर के साथ। उसके बाद यार आप लोग दोनों बैटिंग करोगे और जो ज्यादा रन बनाएगा वो जीत जाएगा। अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप काफी सारे अनलॉक कर सकते हो, के कार्ड्स आपको अनलॉक करने पड़ते हैं। ओवरऑल यार एक और मजेदार क्रिकेट का गेम है जिसको आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो।
सेवेंथ नंबर पे जो गेम आता है इसका नाम है वर्ल्ड क्रिकेट बैटल 2 और साइज लगभग 500 एमबी के आसपास है। ग्राफिक्स क्वालिटी मेरे को गेम की थोड़ी सी कम अच्छी लगी है, लेकिन गेम के एक फीचर ने मेरे को इम्प्रेस कर दिया कि आप अपना खुद का करियर मोड खेल सकते हो और उसको आपको बाय नहीं करना पड़ेगा। साथ में आपकी छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाई हुई है तो वो भी आपको पसंद आएगी। बाकी यार आप क्विक मैच भी खेल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फेक प्लेयर होंगे। विराट कोहली का नाम विराट कोहली होगा। इसके अलावा सबसे मैं टूर्नामेंट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और रही मल्टीप्लेयर मोड की बात, तो मैंने यूट्यूब पे चेक किया था तो मल्टीप्लेयर मोड तो है लेकिन मेरे को गेम में देखने को नहीं मिला, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना कि कैसे खेलते हैं। अब आपके स्क्रीन पे जो गेम चल रहा है इसका नाम है WCC Rivals और साइज सिर्फ 200 एमबी का है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 200 एमबी के अंदर इससे अच्छा क्रिकेट गेम देखने को मिल सकता है। गेम प्ले स्टाइल बिल्कुल WCC 3 चैंपियन गेम जैसा है। अभी गेम अर्ली एक्सेस में चल रहा है तभी तो गेम में सिर्फ मल्टीप्लेयर मोड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप PvP खेल सकते हो, 2v2, अब वो आपके ऊपर आप किस साथ खेलना पसंद करते हो। गेम में कुछ कमी भी है, लाइक कमेंट्री नहीं है, ना ही कोई टूर्नामेंट है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि गेम अभी अर्ली एक्सेस में चल रहा है तो क्या पता फ्यूचर अपडेट में ऐड कर दे। एट द लास्ट अगर आपको अपने दोस्त के साथ क्रिकेट मैच खेलने से मतलब है ना, तो यह लगे मेरे हिसाब से आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सेकेंड लास्ट नंबर पे मैंने जिस गेम को रखा है इसका नाम है क्रिकेट बैटल लाइव और साइज 150 एमबी का है। यह अलग गेम है, मेरे को स्टिक क्रिकेट लाइव गेम से इंस्पायर लग रहा है क्योंकि यार दोनों गेम खेलने का स्टाइल एक जैसा है। 3 ओवर का मैच होता है ज्यादा रन बनाने जीतने के लिए। बस ग्राफिक्स क्वालिटी इस वाले गेम की ज्यादा अच्छी और गेम पे देख के शायद आपको पता भी चल गया होगा। बाकी इस वाले गेम में खेलने के लिए टूर्नामेंट भी है और फ्रेंड के साथ तो खेल ही सकते हो। ओवरऑल ये भी एक अच्छा मल्टीप्लेयर गेम है, तो मैंने आपको बता दिया। आज की लिस्ट में आखिरी नंबर पे जिस गेम ने जगह बनाई है इसका नाम है हिट विकेट सुपरस्टार और साइज सिर्फ 125 एमबी का है। गाइस मुझे मालूम है कि वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मल्टीप्लेयर क्रिकेट गेम, लेकिन सारे जबरदस्त मल्टीप्लेयर गेम मैंने आपको बता दिए, लेकिन अभी भी एक गेम बाकी है तो मैं आपको क्रिकेट के एक यूनिक गेम के बारे में बता रहा हूं, लेकिन ये अलग कम्प्लीटली ऑफलाइन है। तो गेम का कॉन्सेप्ट ऐसा रखा हुआ है कि आपको पहले पता चल जाता है कि बॉलर कैसी बॉल फेंकने वाला है, तो बस आपको डिसाइड करना है कि चौके मारने वाली बॉल है या फिर आराम से खेलने वाली। बाकी आप इधर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेयर अनलॉक कर सकते हो और उनको ट्रेनिंग देके और अच्छा खिलाड़ी बना सकते हो। तो गेमर्स ये तो 10 जबरदस्त क्रिकेट के गेम जो कि यार आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगा है। अब मैं चलता हूँ, अब हमारी फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।